नमस्कार, मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित। अभी मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि बहुत कुछ खाकर भी वजन कम कैसे करें। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सर्दियों का समय है, कोरोना का समय है, लॉकडाउन का समय है, ऐसे में आप सब कुछ खाएं और फिर भी वजन न बढ़े तो कितना मजा आएगा। मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत उपयोगी इंफॉर्मेशन है। यहां इसको मैं तीन पार्ट पर लूंगा। तीसरे नंबर पर बताऊंगा मैं एक्सरसाइज, क्या ऐसी टेक्निक करें जिससे आपका फैटी लीवर ठीक हो। नंबर दूसरे पार्ट पर बताऊंगा आपको स्पेशल खाने वाली चीजें, कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप खा सकते हैं। और तीसरे से पहले और सबसे पहले जिसकी जानकारी दूंगा वो है आधारभूत चीज, पानी का प्रयोग, कैसे करें पानी का प्रयोग। तो शुरुआत करते हैं। सर्दियां जैसे बढ़ती हैं लोग पानी पीना कम कर देते हैं। आप करते हो नहीं करते, बोलो कितने ग्लास पानी पीते हो? क्या 5 ग्लास पानी पीते हो, 6 ग्लास पानी पीते हो? नहीं ना। पानी की कमी होती है, फैट बढ़ने लगता है, तो फैट एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट होता है, इंटेस्टाइन का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए सूखा कब पड़ता है, पौधा कब मुरझाता है, जब उसको सर्दियों में पानी न दिया जाए। और अगर सर्दियों में पानी देने से, मतलब पौधे को मुरझाने से रोकना है तो पानी देना पड़ेगा। ऐसे आपको भी पानी पीना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपका लीवर गड़बड़ हो जाएगा, आपके शरीर में केमिकल इंबैलेंस हो जाएंगे, फैटी लीवर हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगा। इसीलिए नंबर 1, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। कैसे पिए? तो भैया ठंडे पानी से तो बचाता है, खोसा पानी तो पी सकते हो। तो आप अपनी 1 लीटर की बोतल गर्म करके रखिए, उसमें पानी कोसा करके रखिए और हर आधे घंटे पर आधा आधा पौना पौना ग्लास आप पीते रहिए। घर में हो या दफ्तर में हो या कहीं भी हो, बार बार पीजिए। एक ही समस्या तो आएगी, पेशाब बार बार जाने की, डोंट वरी, वो पेशाब आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये उनको पूछो जिनका पेशाब रुक जाता है, आता नहीं है तो क्या बीमारी होती है। किडनी जैसी बीमारियां, आपकी किडनी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका ब्लड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पानी ही केवल उसको फिल्टर करता है। इसीलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, कम मत पीजिए। नंबर 1 पानी। नंबर 2 है खाने की चीजें। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नहीं खानी है, खासकर गेहूं के प्रोडक्ट कम कर दीजिए, आलू कम कर दीजिए, चावल जो पॉलिश्ड है वो कम कर दीजिए। आलू की जगह पर मल्टीग्रेन खाइए, बाजरा खाइए, चना खाइए, मक्की खाइए, ज्वार खाइए, रागी खाइए, इन सब की बनी हुई चीजों को खाइए। मैदे के प्रोडक्ट ना आई, क्योंकि मैदे के प्रोडक्ट आपको खराब कर देंगे। लेकिन इनको स्वाद वाली चीजें बनाकर खाइए, सरसों का साग, मक्की की रोटी, है ना, और बहुत सारी चीजें आजकल चलती है, सीजन है ये, हरी सब्जियों का इनके साथ मिलाकर खाइए। मल्टीग्रेन वाली चीजों का तरह तरह से बनाकर खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। और फिर ड्राई फ्रूट्स पर्याप्त मात्रा में खाइए। ड्राई फ्रूट्स आपके लीवर को अच्छा करते हैं, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, आपकी फैट को कम करते हैं, आपकी लीवर की फैटी लीवर को भी ठीक करते हैं। क्या क्या हो सकता है? अंजीर रात को भिगो के भी खाई जा सकती है, डायरेक्ट भी खाई जा सकती है। सर्दियां हैं इसीलिए बादाम भी आपको 2, 4, 6, 8 बादाम भी नुकसान नहीं करेंगे। काजू कम खा लो, 2 खा लो काजू, 4 खा लो, बस इससे ज्यादा मत खाओ। अखरोट इस समय बहुत अच्छा है, आप खा सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी है। और सबसे बड़ी चीज है आजकल छुहारा, वो उसको अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूध में भी डालकर खा सकते हैं, केसर का उपयोग भी दूध में कर सकते हैं, ये भी आपके फैट को कम करने का काम करती है। तो ड्राई फ्रूट्स सुबेरे उठकर आप ले लीजिए। तो ड्राई फ्रूट्स के उपयोग, ड्राई फ्रूट्स की और गुड़ के साथ पकाकर कई सारी टिक्कियां वगैरह घर में बनाई जा सकती है। तो ऐसे स्वास्थ्यवर्धक और स्वाद युक्त चीजें घर में बच्चों के लिए भी तैयार कर लो, ये उनके लिए अच्छी है। फिर खाने पीने के लिए सब्जियों का, दाल का प्रयोग पर्याप्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैलेड अगर आप नहीं खा सकते तो सूप लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार ले लीजिए, अलग अलग प्रकार के सूप बनाइए। न सूप में मैदा डलती है, न सूप में आलू डलता है, न सूप में गेहूं डलता है, ये गेहूं और आलू और चावल ही तो आपको बर्बाद करता है। तो आप उससे बचिए, खूब खाइए, पर्याप्त खाइए। खजूर बहुत अच्छी है आपके लिए और गुड़ के बनाए हुए प्रोडक्ट, क्योंकि इन दिनों में सर्दियां हैं, आपको तिल भी अच्छा लगेगा तो तिल गुड़ बना लो, मूंगफली वाली गजक खा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फैट नहीं बढ़ाएगी। लेकिन अगर आपने खाना खाने के बाद मूंगफली वाली गजक खाई तब आपका वजन बढ़ा देगी। चीनी के प्रोडक्ट को बिल्कुल रोक दीजिए। तो मैदा, चीनी, सफेद नमक, स्टॉप, इसके बाद कितना भी खाइए वजन नहीं बढ़ेगा और आपका हार्ट, लीवर, किडनी सब ठीक रहेंगे। तो नंबर 2 पार्ट मैंने आपको बताया,
रात्रि के समय, अभी भोजन की बात चल, रात्रि के समय लेट भोजन मत करिए। अगर आपको खाना खाना है तो 7-7:30 और लेट से लेट 8 बजे तक खाना खा लीजिए, और 8 बजे खाना खाने के 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद बिस्तर पर जाइए तो बढ़िया रहेगा। अभी तीसरी बात इसकी महत्वपूर्ण है, और वो है एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट। ये सर्दियां हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इससे अच्छा उत्तम समय कोई दूसरा नहीं होता। पर्याप्त मात्रा में आप फल खा सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी रक्त संचार भी अच्छा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। क्या क्या कर सकते हैं घर बैठे बैठे साधारण से एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा। आज एक टेक्निक आपको और सिखाऊंगा, वो तीसरे वीडियो में सिखाऊंगा, वो स्पेशल टेक्निक होगी, लेकिन उसका एक पार्ट छोटा इसमें भी बता दूंगा। क्या करना है एक्सरसाइज के अंदर, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, जो भी करना है वो कर लीजिए। इनके अलावा अनुलोम विलोम नहीं है तो आप सैर कर सकते हैं, घर में घर की छत पर कर सकते हैं, अगर घर का आंगन बड़ा है तो उसमें कर सकते हैं, अगर आप फ्लैट में रह सकते हैं तो डोंट वरी, कोरोना का समय है, मास्क लगाओ, अर्ली मॉर्निंग आप अपने जहां भी कम भीड़ वाली एरिया से घूम करके वापस आ जाओ, और अगर लॉकडाउन भी है तो आप अपने घर के अंदर ही या छत पर भी, या आपकी सीढ़ियां हैं तो ऊपर से नीचे सीढ़ियों पर भी एक्सरसाइज पर्याप्त कर सकते हो। अगर ना भी ये कर पाए तो घर बैठे बैठे आप प्राणायाम रूटीन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, आजकल सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताए हुए ऐसी एक्सरसाइज जो पिछले लॉकडाउन मैंने करी थी वो सारी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, वो भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद फिर एक और अभी टेक्निक बताऊंगा, उससे पहले न्यूरोथेरेपी एक टेक्निक बताता हूं जिसके कारण से फैटी लीवर कम किया जा सकता है। वो कौन सी है आपको पहले मैंने सिखाई है, ध्यान होगा, लीवर को इस तरह से ऊपर 6 बार रखना, यहां भी 6 बार रखना, इस समय शर्ट पर चलेगा 6 बार, इधर 6 बार और पीछे भी 6 बार, इसके बाद ऐसे भी 6 बार, ऐसे भी 6 बार और पीछे भी ऐसे 6 बार, और फिर गोल घुमा दो 6 बार, इधर भी उल्टा भी गोल 6 बार और इधर पीछे भी, मतलब 6-6 के राउंड ऐसे किए, पहले ऐसे किए फिर ऐसे किए और उसके बाद गोल घुमाया। ये लीवर के लिए बहुत उपयोगी है, फैटी लीवर को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। एक टेक्निक वो प्रयोग करने की है, वो आप करिए, मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ करिए। आप खाना खाने के 1-1.5 घंटे तक 2 घंटे तक इसको नहीं करना, आप बैठे हैं तो भी और कैसे भी आप अपने हाथों को ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ लीजिए ऐसे, और सांस भरिए, सांस को रोक दीजिए और हाथों को दोनों को दबाइए, धीरे धीरे दबाइए, सांस रोके, दबाया, रिलैक्स, ये 4-5 बार कर सकते हैं। फिर यहीं से यही है, अब खींचना है, सांस भरिए, खींचिए, बैठे बैठे कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे भी कर सकते हो, और इसके अलग अलग प्रयोग सीखने हैं तो मैं आपको तीसरी वीडियो में, अपने घर बैठे हुए कहीं बाहर मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो भी कैसे कर सकते हैं एक्सरसाइज, वो कोरोना के लिए, इम्यूनिटी के लिए, वजन कम करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए घर बैठे एक्सरसाइज कैसे करें, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने दोनों प्रकार से शेयर किए, पहले गलती क्या होती है मोटापे के लिए, और दूसरी बात क्या खाएं क्या ना खाएं, और कौन सी एक्सरसाइज करें, ये मैंने महत्वपूर्ण आपको जानकारी शेयर की है। आप भी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, उनकी सेहत के लिए भी ये बहुत उपयोगी चीज है। आओ तीसरी वीडियो भी देखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।